आसनसोल के घाघर बूढ़ी मंदिर में एक अनोखा मामला सामने आया। जिस मामले में एक ससुर ने अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर अपने ही हाथों से उसका कन्यादान किया और बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी कराई। स्थानीय लोगों की अगर माने तो रिम्पी चट्टोपाध्याय नाम की 26 वर्षीय युवती से आसनसोल के काखोया इलाके के रहने वाले 32 वर्षीय धीरज चट्टोपाध्याय के साथ 2013 में शादी हुई थी। धीरज और रिम्पी का विवाह बहुत खुशहाली के साथ गुजर रहा था, पर 2016 के एक हादसे में उनके पति की मौत हो गई। धीरज और रिम्पी की कोई संतान भी नहीं थी। ऐसे में पिछले 7 वर्षों से रिम्पी कम उम्र में धीरज की बेवा बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी युवती के ससुर समन चट्टोपाध्याय ने अपनी बहू की दुर्दशा देखी नहीं गई। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने की बात कही, जिस पर बहू ने भी हामी भर दी। वहीं अपनी बहू की हामी भरने के बाद में समन चट्टोपाध्याय ने अपनी बहू के घर वाले और उनकी मर्जी से दूसरी शादी करवाने की बात रखी। इसके बाद उन्होंने एक लड़के को पसंद किया और दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवारों ने पूरी खुशी और रजामंदी के साथ में बहुत ही धूमधाम के साथ एक शादी रचाई और इस तरह से रिम्पी की दोबारा शादी हो गई और उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशियां लौट आईं। इस शादी में ससुर ने अपनी ही बहू का अपने हाथों से कन्यादान भी किया, साथ ही दूल्हे को दान दहेज देकर हंसी खुशी दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया।